हेलो नमस्कार व्हाट्सअप दिस इज शुभम एंड वेलकम टू द गेमिंग कैसेट। और आज मैं आपके लिए हूं GTA 5 ऐड ऑन फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन वर्जन 1.19 प्लस। एंड गाइस ये वाला GTA 5 का ऐड ऑन फुल वर्जन होने वाला है। इसमें आपको कार्स, गन्स, व्हीकल, बाइक्स, मोटरसाइकिल, आपको प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, गैंग्स एंड GTA 5 के सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो जरूर एंड तक देखना। और गाइज अगर आपको ये वाला मॉड डाउनलोड करना है तो गाइज लिंक दिए मैंने क्लिकी फ्लाई के थ्रू। और अगर आपको क्लिकी फ्लाई के थ्रू मॉड को डाउनलोड करना नहीं आता है तो आने वाली क्लिप को देख लीजिए, वहां मैंने पूरा प्रोसेस समझाया है। सो क्लिकी फ्लाई के लिंक को ओपन कैसे करें? सबसे पहले आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में जो कि मैंने लिंक दी है उसको क्रोम में जाके आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको 10 सेकंड का एक टाइमर आ जाएगा, उसके नीचे आपको जाना है एंड आपको ओपन एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर से आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट पेज पे पहुंचने के बाद आपको एक 5-10 सेकंड का टाइमर आ जाएगा। फिर से आपको ओपन एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और नीचे आपको गेट लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, बट उसके लिए आपको 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा। जैसे 5 सेकंड हो जाए गेट लिंक के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और आपका मॉड डाउनलोड कर लीजिए। सो गाइस जैसे आपका मॉड डाउनलोड हो जाए आपको जाने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर आने के बाद आपको सारे के सारे डाउनलोडेड मॉड्स को रीनेम कर देना है और उनके आगे का .zip हटाकर सिर्फ MC पैक या फिर MC एडऑन जो कुछ भी हो वही तक उसको रख देना है और उनको माइनक्राफ्ट से ओपन कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद आपकी माइनक्राफ्ट स्क्रीन कुछ ऐसी ओपन हो जाएगी। माइनक्राफ्ट ओपन स्क्रीन ऐसे होने के लिए आपको सिंपल से सेटिंग्स में जाना और रिसोर्स पैक को एक्टिव कर देना है GTA 5 का UI। सो गाइस GTA 5 नहीं बट ये GTA San Andreas का UI है। तो गाइस आप देख सकते हो इसके सारे के सारे बटन्स, इसका साउंड एंड गाइस जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है वो भी GTA का ही था। सो गाइस मैं ज़्यादा देर तक नहीं बचा सकता हूँ या फिर कॉपीराइट पड़ जाएगा, इसीलिए भाई एडजस्ट कर लेना। पूरा का पूरा म्यूजिक मैं GTA का नहीं देने वाला हूँ। सो गाइस इसमें आप सेटिंग्स भी देख सकते हो एंड बैकग्राउंड भी पूरा का पूरा GTA San Andreas का कॉपीड है। सो गाइस इसके बाद आपको एक ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। प्ले करने के बाद आपको सस्ता GTA 5 के मॉड को एक्टिव कर देना है, मतलब उसको एडिट कर देना है। उसके बाद आपको जाना है उसके एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले में और सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले आपको ऑन कर देने। आपका वर्ल्ड कॉपी हो जाएगा। कॉपीड वर्ल्ड में आपको सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल जो कि रह गए हैं उनको आपको एक्टिव कर देना होता है। एक्टिव करना सारे के सारे एंड गाइस चीट्स भी एक्टिव कर देना। सो गाइज इसके बाद आपको जाना है रिसोर्स पैक में एंड आपको डाउनलोड रिसोर्स पैक सारे के सारे एक्टिव कर देने जितने भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं। सो गाइज मेक श्योर करना एक भी छूटे ना। एंड गाइज बिहेवियर में भी आपको चेक करना होगा कि सारे के सारे पैक्स एक्टिव हो गए या नहीं। प्लेयर एनिमेशन, बाइक, व्हीकल, एरोप्लेन सारे के सारे जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन में हो आपको एक्टिव कर देना है। सो गाइज इसके बाद आपको वर्ल्ड को क्रिएट कर देना है एंड आपका वर्ल्ड कॉपी हो जाएगा एंड आपको प्ले करना पड़ेगा। और इसके बाद सैन एंड्रियास की कुछ ऐसी स्क्रीन आती है। सो गाइज जैसे आपके मॉड में आप एंटर कर दोगे सो गाइज आप देख सकते हो कि GTA 5 का मैप ओपन हो जाएगा। GTA 5 का ओरिजिनल मैप का जैसे ही यार इसका लुकआउट है पूरा का पूरा एंड इसमें आपको गैंग्स भी देखने मिलती है एंड इफेक्ट ऑफ प्लेयर एनिमेशन यू कैन सी जो कि भाई मारने के बाद आपको कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है। एंड गाइज वॉइस भी आप देख सकते हो रियल GTA का वॉइस है। इसमें आपको किसी भी मैप को आप मारो ऐसा कुछ वॉइस आ जाएगा। मॉब नहीं मतलब इसमें आपको गैंग्स ही देखने मिलती है, जस्ट रियल लाइफ थिंग्स। सो गाइज इसके भागने का एनिमेशन एंड भागने का तो छोड़ो, ऊपर आपको इसका यार हॉट बार भी देखने को मिल जाता है जो कि यार इसका रेड लाइट बोल रहा हूँ हेल्थ बिल्ड का इंडिकेटर है। सो गाइज इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा यार माइनक्राफ्ट में ही बोल रहा हूँ माइनक्राफ्ट में GTA 5 के कैरेक्टर्स भी देखने मिल जाते हैं जो कि आप स्विच कर सकते हो आपके मनपसंद अनुसार। सो गाइज आप देख सकते हो ये है ट्रेवर, हमारे ट्रेवर भाई गंजे भाई और इनने शायद दारू पी रखी है इसलिए इसके ऐसे बुड़बुड़े आ रहे हैं ऊपर। तो जान दो भाई ज़्यादा ट्रेवर को यार नहीं लेता, मेरे को भी नहीं पसंद यार ये कुछ तो गांव में स्पॉन हो जाता था। और ये हमारा भाई CJ एंड ये है हमारा फ्रैंकलिन ब्रो ओपी ब्रो एंड इसमें सारे के सारे GTA 5 के कैरेक्टर्स एंड ये है माइकल हमारा भाई जो कि GTA Vice City का कैरेक्टर है जो कि यार लेजेंडरी ब्रो, वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। एंड इसके बाद आपको आर्मर विरमर भी देखने को मिल जाते हैं, इसके मतलब थोड़े से अपग्रेडेड वर्जन भी आपको देखने को मिल जाते जो कि यार कुछ ज़्यादा खास नहीं लगे। और इसके बाद जैसे कि मैंने बोला आपको इसमें गाड़ी घोड़ा सब देखने को मिल जाता है। ये है गाइस GTA Vice City की लेजेंडरी स्कूटी जो कि यार आपको स्ट्रीट पे ही मिल जाती थी एंड आप इसको भगा भी सकते हो। सो गाइस ये देखो भाई इसका भगाने का भाई एनिमेशन, क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा सा ज़्यादा ग्लिच हो रहा था क्योंकि 10 के 10 मॉड मैंने एक साथ ही एक्टिव कर दिए। बट आप ऐसा ट्राई मत करना, जो शेडर बेटर मत ऑन करना, कोई दिक्कत नहीं होती शेडर का, कोई यार जरूरत भी नहीं होता। और आप देख सकते हो ये देखो स्कूटी यार पूरा का पूरा यार खतरनाक वाला लग रहा है यार, लिटरली ऐसा लग रहा है कि भाई GTA 5 खेल रहे हो।
और इसके बाद ये है गाइस डेथ मोटरसाइकिल जो कि यार घोस्ट राइडर की होती है, इसमें आपको वो भी देखने को मिल जाती है। इसका यार भाई कितने गियर में चल रही है वो भी नहीं पता, बट बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रही है। और जो कि आपको पता है ना वो ऐसा लेफ्ट राइट बहुत ही ज़्यादा करती थी, वो वाली ही है। और इसके बाद आपको इसमें कार भी देखने मिलती है एंड इसके डोर्स भी रियलिस्टिक वाले एनिमेशन देते हैं, जस्ट लाइक रियल गाड़ी ओपन होती है डोर्स भी ओपन हो जाते हैं। एंड इसके बाद गाइज आप देख सकते हो इसमें वेपन से आपको इसमें पाना देखने को मिलता है, इसमें आपको पुलिस का डंडा देखने को मिलता है, रोड पर ही ये पड़े हुए होते हैं जो कि आप कलेक्ट कर सकते हो घूमते घूमते। एंड इसमें आपको ये देखो भाई ये जैसे मैंने बोला पाना एंड गन्स विंस भी है गाइज इसमें, गन्स देखो भाई कितने ज़्यादा खतरनाक है, आवाज़ वावाज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा फूल ऐड किया गया है जो कि यार बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना वरना मैं आपको भी यार गोली मारूंगा और आपके स्क्रीन में से बाहर आ सकती है ब्रो, आई डोंट नो 10 मोड एक्टिव किए शायद आपका मोबाइल भी फट जाए, तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये सारे गन्स है इसमें, आपको इसमें राइफल विफल सब देखने मिल जाते हैं, मैं सारे के सारे देखने को नहीं बैठूंगा क्योंकि भाई बोलिए भाई 15-20 मिनट का हो जाएगा, आपको और भी ज़्यादा मॉड करने के लिए करना है। सो गाइस हमने गन्स का रिव्यू कर लिया, इसके बाद हमारे पास ये गैंग्स, भाई ये गैंग्स लिटरली भाई अपने में ही झगड़ा देखो यार, एक देखो एक सेकंड में आप अभी मैं इसको स्पॉन करूंगा भाई, लफड़ा देखो कितनी फास्ट हो जाता है, अभी देखो पेलम पाली भाई खतरनाक भाई, कोल दो भाई इसको, ये देखो शिट आते ही भाई गुथाई बाज गई इन लोगों में, तो खतरनाक वाली ये मतलब लग रहा भी यार कूल और रियलिस्टिक वाला जो कि GTA में भी होता है, दो तीन गैंग से एक साथ आ गई तो भाई लफड़े चालू भाई, किसी का तो यार मर्डर पक्का ही है। ये देख सकते हो भाई ये देखो दौड़ाते दौड़ाते मार रहे भाई, इज्जत ही नहीं, ये पुलिस को मार रहे हैं लिटरली ये गाइस। एंड मैं भी यार मज़े ले रहा हूँ थोड़े क्योंकि मेरे यार गैंग्स को स्पॉन करूँगा, यार पुलिस को कौन कर रहा है भाई, GTA में भी पुलिस को स्पॉन करेगा क्या, तो गैंग्स मेरे को यार बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एंड यार इन लोगों ने पुलिस वाले को भाई पेलते कहाँ लेके गए यार इनके भाई, झगड़े चले हुए बाबा, अरे बाबा खतरनाक ये तो। और गाइस इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये देखो भाई गैंग, अभी देखो मैं मारूंगा तो भाई आपको वेस्टेड वाली स्क्रीन भी इसमें आ जाएगी, जिस सिंपल से आ रही है गैंग को आपको क्रिएटिव में नहीं सवाल में छेड़ना है और उसके बाद आपका मर्डर फिक्स है तो ये आपको मार डालेंगे। तो गाइस जैसे मार दिया वेस्टेड वाली स्क्रीन भी इसमें आ जाती है, सो गाइस ये वाला मॉड इधर कंप्लीट हो जाता है, वेस्टेड स्क्रीन से लेके आपको स्टार्टिंग स्क्रीन सब GTA 5 की देखने को मिल जाती है इस मॉड में। सो गाइज दैट इज फॉर द टुडेज वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब क्योंकि 5 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा पास है, मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिस ना कर सको। और ये था कि GTA 5 का वर्जन ऑफ माइनक्राफ्ट, और अगर आपको माइनक्राफ्ट का भाई मैन वर्सेस वाइल्ड देखना है या फिर आपको कोई यार सुपर पावर्स देखनी है तो गाइज एंड स्क्रीन पे आपको एक ऐसी धासु प्लेलिस्ट आने वाली है जो कि आपने इमेजिन नहीं की होगी, कोई भी क्रिएटर इतने ज़्यादा सुपर हीरोज नहीं लाएगा, सिर्फ मैं लाता हूँ, तो गाइज ये वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। और गाइज अगर आपको रैंडम वीडियो देखना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा कूल है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।